हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी राहुल ब्लॉग। सो आज है तुलसी की शादी और डेट है 4 नवंबर, और तुलसी की शादी है और है देवठान, जिस दिन करते हैं गन्ने की पूजा। तो यहाँ पे गन्ने की पूजा दिवाली के दिन हो जाती है, मतलब हमारे यहाँ नहीं होती है, पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर। तो आज बहुत मुश्किल से हमको गन्ने मिले, तो हम लोग गन्ने लेके आए हैं और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। क्या क्या बनता है वो सब मैं बना रही हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहन ली मैंने, तो मैं तैयारी कर रही हूँ कि पहन वो सॉरी तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो थाली वगैरह लगा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ और जो भी है जैसे भी कर रही हूँ। आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, तो अपने तरीके से जैसे भी समझ में आता है वो कर लेती हूँ। तो पूजा की थाली, माला वगैरह, ये देखिए माला ले आए हैं और ये थाली लगा रही हूँ मैं। तो अभी कुछ यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे, तो गन्ने हम लोग ले आए थे। सो देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मिस मत करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको आगे वाले ब्लॉग नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। सो चलो चलते हैं और अभी पूजा करते हैं। और आज है 4 नवंबर, तो खाटू श्याम जी का है बर्थडे, तो हम लोग सोच रहे हैं, हाँ मंदिर है खाटू श्याम जी का, तो सोच रहे हैं अगर टाइम मिला तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो देखते हैं आगे चल के, ब्लॉग में बने रहिए, मिस मत करिए, और पूरा देखना क्या कैसे करती हूँ पूजा वगैरह। तो चलो चलते हैं, चलिए हमारे साथ और पूजा करिए। मंदिर जाएंगे हमारे साथ चलना, खाटू श्याम के दर्शन कराएंगे आपको। बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। फ्रेंड्स, मैं अपने मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ पे भी लगा लेती हूँ दिया। ये देख सकते हैं, मैं आपको अपने मंदिर दिखाती हूँ, आप लोगों ने देखा ही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये मंदिर है, आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है, ये बैठे हुए हैं हमारे खाटू श्याम जी। तो ये देख सकते हैं, ये है पूरा मंदिर। तो मैं अब दीपक जला लेती हूँ। क्या चल रहा है? सफाई चल रही है, हम जगह करी और हम जा रहे हैं शालिग्राम को लेने। मेरे डॉगी ये लो, ये क्या चल रहा भैया? लीपा पोती, लीपा पोती जमाना चला गया मिट्टी का, फिर भी टाइल्स को लीप रहे हैं आजकल देखो। अरे ये तो चौक बनाएंगे तो उससे पहले लीपना पड़ेगा, चौक तो ना ऐसे लगता है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा करना। तो सबसे पहले जो जल है ना, वो उनको चढ़ाते हैं। और ये पूजा मैं कर रही हूँ शाम को 5 5:30 के समथिंग, क्योंकि रात में पूजा नहीं होती है। तो जो हल्दी और जो आलता मैंने दियो में घोल के रखा था, तो वो तुलसी जी को लगा रही हूँ। थोड़ा अच्छे से लगा रही, थोड़ा सजी हुई लगे कि हाँ उनकी शादी की है। वैसे तो थोड़ा सा लगाते हैं, बट मैंने थोड़ा अच्छे से सजा दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं। तो जो हल्दी और जो आलता है वो मैंने लगा दिया। तो फिर जो चुंदरी उड़ाते हैं, तो वो मैंने उड़ा दी है, देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो इसमें पूरा श्रृंगार का पैकेट आता है, तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे सामान है वो अपन चढ़ाते जाते हैं। तो ये लच्छा है तो मैं ये बांध देती हूँ उनकी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देवठान वाले दिन शादी करते हैं मतलब, तो इससे अब अपने जो हिंदू धर्म के हिसाब से अब शादियाँ शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लगता है इनकी शादी करना। शालिग्राम से शादी होती है। तो ये देखिए, ये कंघी लगा दो, पूरा A to Z वो पैकेट में है ना, पूरा श्रृंगार आता है। तो ये देखिए, ये कंघी कर दी उनके। और ये पैकेट में एक एक करके खोलती, छोटे छोटे पैकेटों में छोटा छोटा सामान रहता है, तो मैं एक एक करके खोलती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ क्या क्या है। तो ये चूड़ियाँ हैं, तो चूड़ियाँ पहना दो उनको। और ये क्या, एक एक करके सब पहना दो। बिछिए हैं, जो भी श्रृंगार होता है वो सब। तो ऐसे करके पूजा करो, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक साल में एक ही बार तो अपन करते हैं, तो सारी चीजें अच्छे से करो तो अच्छा लगता है। मुझे तो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, मैं आगे म्यूजिक लगा देती हूँ, तो आप लोग इंजॉय कीजिए। और देखना कैसे कैसा लग रहा है आपको मेरा ब्लॉग, और कमेंट में बताना कि पूजा कैसे क्या करते हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ तो ऐसे ही करते हैं क्या, तो आप लोग कमेंट में बताना। ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने श्रृंगार कर दिया, तुलसी जी को माला पहना दी। तो अब बारी है फेरों की। तो मैंने यहाँ शालिग्राम को भी थोड़ा लच्छे में लपेट के अच्छे से उनको भी टीका वीका कर दिया है। तो अब मैं लगवा रही हूँ फेरे। तो जैसे हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोगों में 7 फेरे लगते हैं दूल्हा दुल्हन के, तो ऐसे इनके भी 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट कर करके इनके भी फेरे लगवा रही थी, तो बड़े अच्छा खुशी हो रही थी, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, फेरे एक एक करके गिन के पूरे 7 फेरे लग गए। तो मैं वही वही साइड में उनको रख देते हैं। तो ये ऐसे उनमें रख के फिर उनकी पूजा पूजा करते हैं। तो ये ऐसे हमारी पूजा हो गई संपन्न। और अब बारी है मैं लगाऊंगी, क्योंकि तुलसी जी की फेरी लगाते हैं ना, पूजा करते हैं। तो लास्ट में मैंने फेरी लगा ली, ऐसी 7 7 फेरे मैंने भी लगा लिए थे। तो फिर इसके बाद फिर मैं अपना हल्दी और जो आलता है जो मैंने, फिर मैं अपने पैरों में लगा लूंगी बाद में पूजा होने के बाद। क्योंकि यार देवठान है, तो इसी जगह पे फिर हमारे गन्ने की पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि अब एक साथ ही दोनों पूजा पड़ गई, तो सोचा कि वो इकट्ठे हो जाएगी। तो फिर वो जो गन्ने की पूजा है वो राहुल करेंगे, मैं भी करूंगी, बट जो मेन है वो जेंट्स लोग करते हैं। तो हमारे वहाँ घर पे हो रही होगी ससुराल में, तो मैंने सोचा यहाँ भी कर ही लेते हैं। इस बार हम लोग घर नहीं जा पाए, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे वैसे पूजा पाठ थोड़ा अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे तुलसी माता जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। तो अब देखिए, आगे चल के ये पूजा होगी हमारी, जो गन्ने की पूजा है ना वो। तो यहाँ पे गन्ने, यहाँ बहुत मुश्किल से हम लोग को ये गन्ने मिले, क्योंकि यहाँ हम लोग रहते हैं वहां पर दिवाली वाले दिन ही गन्ने की पूजा हो जाती है। उस दिन तो ढेर सारे मिल रहे थे, पर आज के दिन तो पॉसिबल ही नहीं था। बहुत मुश्किल से तब हमको ये 2 गन्ने मिले, वो भी छोटे छोटे से, इतने हाइट के नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो खूब लंबे लंबे मिलते हैं, जो दीवार तक, ऊपर तक, टेरिस तक छू जाते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, यहाँ पे राहुल पूजा कर रहे हैं। तो जो होम होता है ना, वो जला लिया है हम लोग। इसमें राहुल मतलब होम करेंगे, तो
मीठा पूड़ी सब्जी जो हलवा बनता है ना वो बना गई है मैंने, और यहाँ पे हम धूप बत्ती जला रहे हैं। तो ऐसे पूजा होती है, तो घर पे होती है तो फिर और तरीके से करते हैं। तो मुझे जैसे लगा मतलब, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहली बार अकेले ऐसे पूजा कर रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, बट मम्मी से भी पूछ लिया था मैंने कैसे क्या करते हैं, तो उस तरीके से। तो मैंने सोचा तुलसी की पूजा की तो उन्हें जगह से नहीं हिला सकते, तो मैंने कहा रख रहने दो, कोई बात नहीं, और इसमें ही अपन गन्ने की कर लेंगे। और अच्छा लग रहा, थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। और रंगोली मैंने ऐसी कुछ खास वो नहीं बनाया, बस जो चौक होता है उसमें कलर भर दिए, क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे थे, और क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से काम करना होता है, तो फिर वही वाली बात है ना कि मुहूर्त निकल जाए फिर पूजा करने का क्या मतलब। इस वजह से जो भी जल्दी 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 किया ना, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए, म्यूजिक इंजॉय कीजिए, म्यूजिक लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूजा करने में आ गई हूँ। वैसे मतलब जो हमारे यहाँ है ना, मतलब जो फेरी वेरी है, जो मेन पूजा है वो जेंट्स करते हैं, पर मैं सोचा थोड़ा सा टीका वीका लगा दूँ। तो वैसे प्रॉपर पूजा थी जो वो राउंड ने की, और यहाँ पे अब बारी है फेरी लगाने की, तो वो राउंड लगा रहे हैं। तो जो खील कट्टे आते हैं ना, जो अपन दिवाली पे लेते हैं, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा गिरा गिरा के ऐसे साथ फेरे लगाते हैं, तो यहाँ पे वो फेरे लगा रहे हैं। तो यहीं पे ये ब्लॉग एंड करूंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जहाँ हम लोग भी, आज के दिन खाटू श्याम का बर्थडे भी है 4 नवंबर, इस वजह से तो हम लोग वहाँ भी गए थे। तो वो आप लोग ब्लॉग देखना, ब्लॉग पार्ट 2। सो ये, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।